बोलता बिहार न्यूज मीडिया और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हम मौजूद हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत मंसूर चक प्रखंड क्षेत्र के मंसूर चक पंचायत के फाटक चौक पर, और मेरे बगल में आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने अपना जिंदगी भर मेहनत करके कमा के अपने बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, और जब आज इनको रखने का समय आया तो इनको घर से भगा दिया है। ये घर में नहीं रह रहे हैं। इनकी 5 बेटी है और 1 बेटा है। बेटा का शादी हो चुका है, बेटा कबाड़े का काम करता है। और मैं इस व्यक्ति के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मंसूर चक पंचायत के वार्ड संख्या 13 के रहने वाले हैं, लेकिन आज तक इन पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया है। और जाएगा भी तो क्यों जाएगा, क्योंकि मुखिया सिर्फ वोट लेने के लिए आएगा, जनप्रतिनिधि जो भी है उन सबको वोट से मतलब है। मर जाएंगे तो लास्ट में 2 लाइन लिखेंगे, भगवान इनके चरणों में अपनी स्थान दे, इससे ज़्यादा कोई नहीं लिखेंगे। आज ये मर रहे हैं। देखिए शंभू जी की मेडिकल के बगल में बेचारे सोते हैं, खाना तक नहीं खाए हैं। बेटा ऐसा नालायक हो गया है, कैसे बेटा पे शर्म आती है। जो बाप को देखना चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में बाप को लात देखे घर से बाहर निकाल दिया है। और पुतौ भी कैसा है, जो पति के बात पर चलता है लेकिन उसके पिता को नहीं देखती है। जहाँ तक इनकी पत्नी का सवाल है, इनकी पत्नी अभी रह रही है लेकिन इनकी पत्नी को भी अब इनसे कोई लेना देना नहीं रह गया है। जिस हिसाब से इनका पोजीशन है, इनका तबीयत खराब है, चल फिर भी नहीं होता है, लेकिन इनको कोई नहीं देखेगा। क्यों देखेगा कोई इनको, बस इनका काम है बच्चा को लिखा पढ़ा के बड़े कर देना, शादी ब्याह कर देना, उसके बाद बाप का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिस प्रकार इस व्यक्ति के साथ हुआ है, मैं चाहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, और अगर मेरी आवाज़ सरकार तक जा रही है तो मैं उनसे अपील करूँगा, कृपया ऐसे ऐसे लोगों की सहायता की जाए। और ये मंसूर चक पंचायत के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। उनके पंचायत के आदमी रोड पर सो रहा है, भूखा मर रहा है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है। ये 3.5 साल से घर से भटके हुए हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं है। बगले में इनका घर है 13 नंबर वार्ड में, लेकिन ये घर नहीं जा सकते क्योंकि इनको बेटा पुतौ रहने के लिए नहीं देगा। आखिर इसको देखेगा कौन? इसीलिए आप लोग से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें और इस प्रीत व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद। अच्छे तो पैसा देला के बाद भी फेरी करके आबै छिए, 10 गो 20 गो रह के दै छिए, बाकी बात जे भी पैसा भेल सीधा पानी ले करके बनेलक खैली। ओ दोनोमे गेवर दवा अलग रहल। हाँ कहै छिए न अलग बना के खो, अलग बना के खो, हम तोरा साथ में नहीं रहो, हम असगले हम बना के खेबे। क्या गो बेटा है? एक गो। आ पोता पोती कितना है? एक गो पोता। कितना दिन से घर से बाहर रखे हुए आपको? लगभग बहुत दिन से, करीब 3.5 साल से। बेटा पोता नहीं रखता है घर में ना? नहीं, बहुत। बेटी क्या गो है? 5 गो, सबके 5 गो का शादी भी। बेटी को जानकारी है कि आपको घर में रहने नहीं दिया जा रहा है? आए सर, जैसमें शादी शुदा होने को ये से सर नहीं। अभी कहाँ रहते हैं? ये रही थी बाबू रोड पर। दिखाना देखियो ना, रोड पर अभी रहते हैं ना? रोड पर कभी यही जा कभी यही जा। अच्छा, बाल बच्चा नहीं पूछता है? कभी जनप्रतिनिधि पूछने के लिए आया है कि जो आपको क्या दिक्कत है? वो सीधे कहते हैं गो मोहम्मदन है चूड़ी वाला, कहिए है भौजी 2 गो रोटी हमारा 4 गो बनाए गए, कल के एकरा के गल के रहल, एकरा भगवो भौजी तेरा नहीं दहो रहे खातिर। मुखिया जी कुछ बोललखिन कि नहीं? नहीं, हमरा कुछ नहीं बोल के बाबू। इस बार वोट दिए थे कि नहीं? वोट दिए थे? नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप पर सरकार से? मांग के करवे, मांग यह करवे जे अब पैसा कौड़ी नहीं के आय के लिए मुताक में बाबू रहे छी कि पैसा थोड़ी नहीं। बेटा क्या काम करता है? कबाड़ा वाला काम करता है। कबाड़ा घर में क्या रूम है?
एगो किराया पर रहता है बाबू। किराया पर अपना जमीन घर ना है? ना है, बलिया लखमेरिया में है। अच्छा, चार दूर है। पत्नी है कि नहीं? पत्नी कहाँ रहती है? बेटे भी रहा। और आपको भगा दिया है? भगा दिया है। तो अभी आप यहीं पर रहते हैं? दिल्ली के बगल में। रात में ठंडो और लगता है? कल गुरमा दल के डंडा दल के डंडा दल के दल के सूता बाबू और रोटी दल के। कौन दिया? बेटी बेटा? बेटी दल के। खाना कैसा? अभी तो क्या बेर खाना खाए? कहाँ के लिए बसिया रोटी रहे वो है ये गो के लिए नए धसे सीखे भीतर से। बीमारी कौन सा है आपको? बुखार लगे छे, खोखी हो छीके। अच्छा, खोखी हो छे। हाँ, कब चल फिर होता है? हाँ, चल फिर होता है? नहीं हो छे। कल्लो कुनमा पूछलिए। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? रामलीला साहब। पिताजी का नाम? धन्नू साहब। पंचायत? वार्ड नंबर? आपको ये भी मालूम नहीं है? लेकिन बहुत सब आदमी को देखते हैं ना। 13 नंबर में रहे छे। 13 नंबर में रहे छे। आधार कार्ड आर सब ये सब है बाबू बुझे लावे छे। Yeah.